अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज देवरू फॉर वाचिंग फ्लासिंग विद देव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने स्टडी करना है फेसबुक पिक्सल्स के बारे में, कि हम लोग फेसबुक पिक्सल्स को अपनी वेबसाइट तक कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाना है। एंड बिजनेस मैनेजर में आने के बाद आपने डाटा सोर्स ओपन कर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में वापस जाऊँ तो यहाँ पे मेरा बिजनेस मैनेजर ओपन है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है बिजनेस मैनेजर पे। एंड यहाँ से आप लोगों ने इवेंट्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा इस पेज के ऊपर इवेंट्स मैनेजर में। एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, ये प्लस का बटन आप सबको शो हो रहा होगा कनेक्ट का, कनेक्ट डाटा सोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप किस चीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हो अपने बिजनेस मैनेजर को, यानी कि फेसबुक पिक्सल्स को अगर आप लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने वेब को चूज कर लेना है। एंड वेब चूज करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप पूछ रहे हैं कि आपने करना क्या है, सर्वर साइड एपीआई करनी है फेसबुक पिक्सल, तो मैं फेसबुक पिक्सल को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं फेसबुक पिक्सल को चूज करके सिंपल कंटिन्यू कनेक्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। एंड अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई अपनी वेबसाइट के साथ अगर आपने फेसबुक पिक्सल को ऐड करना है तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करो। तो नेम योर पिक्सल, तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नेम, आपकी जो डोमेन नेम होगा या कोई भी आप अगर नेम देना चाहते हो तो अपना नेम दे दो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया देवरो, अपनी वेबसाइट का नेम दे दिया। एंड अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, जो भी मेरी वेबसाइट का लिंक होगा, लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पुट कर दिया। और मैं करता हूँ कंटिन्यू। एंड अब ये कुछ सेटिंग्स की तरफ मूव करेगा मुझे, जो कि करना बहुत ज़रूरी। एंड गौर से सुनिएगा कि सेटिंग्स कौन कौन सी है। अब इसने यहाँ पे मुझे ऐड कर दिया डेटा सोर्सेज में। अब मैंने मेरी जो वेबसाइट थी वो यहाँ पे ऐड होगी। अब मैंने क्या करना है, कंटिन्यू करना है पिक्सल सेटअप को। तो मैं कंटिन्यू पिक्सल सेटअप पे क्लिक करूँ तो इट विल रिडायरेक्ट मी टू अनदर पेज। तो यहाँ पे भी मुझे एक और पेज की तरफ मूव करेगा ये। अब पूछ रहे हैं मैनुअली ऐड पिक्सल को टू वेबसाइट या फिर यूज अ पार्टनर इंटीग्रेशन। पूछ रहे हैं भाई आपकी वेबसाइट अगर मैनुअली है, यानी कि आपने खुद पीएचपी पे या अपना लाइक प्रोग्रामिंग खुद करके वेबसाइट डिजाइन किया है तो खुद ऐड करना है, या फिर आप पार्टनर इंटीग्रेट करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप शॉपिफाई स्टोर पे पिक्सल लगाना चाहते हो, वर्डप्रेस पे लगाना चाहते हो, विक्स पे लगाना चाहते हो, स्क्वेयरस्पेस पे, कहीं पे भी। तो मैं वर्डप्रेस पे लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से यूज अ पार्टनर चूज करता हूँ एंड वर्डप्रेस को चूज कर लूंगा, बिकॉज मैं वेबसाइट रन कर रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ पे भी मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो गए कि आपका पार्टनर कौन है, मीन्स क्या वेबसाइट कहाँ पे बनाई हुई है आपने। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके वर्डप्रेस को चूज करता हूँ, वर्डप्रेस चूज कर ली मैंने। एंड अब वो पूछ रहे हैं कि भाई ये कुछ सेटिंग्स है ये करनी पड़ेगी। तो ओके जी ठीक है, तो क्या करते हैं, सिलेक्ट फीचर्स में आता है। सिलेक्ट फीचर you would like to include in your WordPress integration, advanced matching, ठीक है, new measure more of your customer journey by enabling the server side API। तो भाई मैं सिर्फ इसको advanced matching कर लेता हूँ, बस आपने इसको choose कर लेना and continue कर लेना। और अब वो पूछते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है WordPress के वर्जन 4.4 से ज़्यादा पे काम करती है, तो ठीक है। Ensure that file is control enabled button and downloading file, okay, इसको मैं download कर लेता हूँ फाइल को जो है पूछ रहे डाउनलोड करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में एंड कंपेस्ट में। और यहाँ पे मैं छोटा फोल्डर बना लेता हूँ पिक्सल नेम का, इसके अंदर अपनी फाइल को रख लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ फाइल को सेव, ऐड करते हैं हम कंटिन्यू। फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। अब कह रहे हैं प्लगइन्स में जाओ एंड एक नए प्लगइन को ऐड करो, तो ठीक है हम प्लगइन को ऐड कर लेते हैं। तो अब पूछ रहे हैं प्लगइन्स में जाओ एंड प्लगइन को अपलोड करो। तो इसने अपना फेसबुक ने अपने खुद का ओरिजिनल प्लगइन दे दिया। पहले क्या होता था, पहले आप डिफरेंट प्लगइन आपके पास होते थे, उनको यूज़ करते थे थर्ड पार्टी प्लगइन्स को, तो उसके थ्रू आप ऐड कर सकते थे। बट अब उसने मुझे खुद एक प्लगइन दे दिया, कहते इसको जाओ एंड जाके अपलोड कर दो सिंपली। तो ठीक है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, एक्टिवेट कर लेता हूँ प्लगइन को। एंड उसके बाद हम सेटिंग्स वगैरह देखेंगे, बट पहले हम क्या करें अपने प्लगइन को अपलोड कर लेते हैं। ऐड प्लगइन्स में जाते हैं एंड यहाँ पे आपने अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है प्लगइन सेक्शन में आके, और यहाँ से आपने अपना जो प्लगइन आपने डाउनलोड किए आपने उसको पुट कर दिया। मैंने प्लगइन था इसको चूज कर लिया, इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक एंड लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। अपलोड कर दिया मैंने, तो अपलोड करने के बाद ये आपने माइंड में रखना है कि प्लगइन जब आपको जिप फाइल में हो तो मोस्टली अब देखते हैं कि एरर नहीं आएगा हमें, बिकॉज फेसबुक ने दी है तो फिर ओरिजिनल चीज ही हमें दी होगी, थर्ड पार्टी का प्लगइन नहीं। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, हम इसको कर लेते हैं एक्टिवेट। अब ये प्लगइन भी आप अपनी मर्जी के अगर आपके पास अपलोडेड है तो आप कर सकते हो, आपको प्लगइन पढ़ने तो स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ से हम अपने प्लगइन को चूज कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किया था। प्लगइन था जी हमारे पास ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल,
तो उसको सेटिंग्स में चलते हैं। एंड अब वो यहाँ तो पूछ रहे हैं फेसबुक हमारी पिक्सल आईडी और एक्सेस टोकन, तो हम वापस चलेंगे बिजनेस मैनेजर में एंड यहाँ पे वो हमें एक्सेस देगा। पिक्सल आईडी कहता है वो अपनी डालो ठीक है, एंड ईमेल पिक्सल आईडी, उसके बाद एडवांस मैचिंग एनेबल कर देना, सर्वर साइड एपीआई नॉट एनेबल्ड एंड एक्सेस टोकन नन करके हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ओके वेरीफाई दैट योर पिक्सल इज वर्किंग करेक्टली, तो यहाँ पे हमारा जो पिक्सल आईडी है वो हम अगर यहाँ पे दे दें, मैंने पिक्सल आईडी दे दिया इसको एनेबल एंड एक्सेस टोकन कर दिया हमने नन, जैसे बोला तो उसको कर दे सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक। तो हमारी सेटिंग्स हो गई सेव एंड यहाँ पे वो पूछ रहे हैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करो, तो वापस अपनी वेबसाइट का कर लेते हैं यूआरएल बैक पुट। तो यहाँ से भी हमें वेरीफाई करके बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसको सेंड टेस्ट ट्रैफिक करके देखें। तो ये भेजेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कुछ, यानी कि एक एक दो व्यूज भेजेगा जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा हमारा जो पिक्सल वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अभी हमारी वेबसाइट जो रिडक्ट हुआ है, हमारी वेबसाइट अभी यहाँ से ओपन होगी। ठीक है हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, देन अब हम वापस चलते हैं। तो अब ये कर रहा है वेरीफाई कि आपकी वेबसाइट पे पिक्सल जो है वो ऐड हुए हैं या नहीं, तो ये भी वेरीफाई करके अभी हमें बता देगा कि अगर कोई गड़बड़ हुई है, कहीं पर कुछ सेटिंग सही नहीं हुई तो क्या थी और क्यों थी एंड उसका सोल्यूशन क्या है। तो अभी ये चेक कर रहा है। ओके ओके तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि नॉट एक्टिव येट, वंस योर पिक्सल इज एक्टिव यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ योर ऐड जनरेटेड। ठीक है वो बोल रहा है अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि अभी हमारे पास पिक्सल हमारी वेबसाइट पे एक्टिवेट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं क्रोम में एंड क्रोम में यहाँ पे आप टाइप करो क्रोम एक्सटेंशन में जाके फेसबुक पिक्सल, तो एक यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी फेसबुक पिक्सल हेल्पर की, तो हम इसको कर लेते हैं ऐड टू क्रोम फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ये भी आपको हेल्प करेगी बताने में कि आपकी वेबसाइट में पिक्सल लगे हैं या नहीं लगे, एनेबल हो गया है या नहीं हुआ, तो ये आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी फेसबुक पिक्सल हेल्पर ये जो एक्सटेंशन है। तो अभी ये जैसी होती है सॉल्व तो हमें लग जाएगा पता कि हमारी वेबसाइट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ हमारा पिक्सल जो है। अगेन उसको रिफ्रेश करते हैं एंड सेंड टेस्ट ट्रैफिक करके देखें, तो लेट्स सी फिर से वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने प्लग इन ऐड हो जाएगा, तो मैं इसको क्लिक करूँ तो एक्सटेंशन फेसबुक पिक्सल ऐड पर एंड ये प्लग इन मेरे पास यहाँ पे आ गया। प्लग इन पे मैं क्लिक करता हूँ, नो पिक्सल फाउंड, कह रहा है भाई अभी कोई पिक्सल आपकी वेबसाइट पे फाउंड नहीं हुआ, बट यहाँ पे आप देखो एक्टिवेट हो गया बिकॉज एक बार हम इसने ट्रैफिक भेजी तो उसको नहीं फील हुआ, बट एक बार फिर से हमने इसको टेस्ट किया तो वो हो गया एक्टिव, एक्टिवेट हो गया। अभी इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू हो गया तो वो वेबसाइट का यूआरएल पूछ, ऐड इवेंट्स यूजिंग इवेंट सेटअप टूल, तो अगर आप इवेंट सेटअप लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे भी तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट कर दो, ओपन वेबसाइट करो एंड उसको यहाँ पे इसको वेबसाइट ओपन करोगे तो इवेंट्स के लिए ले जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, इसको वेरीफाई करेगा एंड ओके तो होगी कनेक्ट एंड हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। अब जी हमारे जो पिक्सल्स थे हमारे वेबसाइट में ऐड हो गए। ठीक है वेरीफाई इवेंट्स इन इवेंट्स मैनेजर, वेरीफाई करने हमने अपने इवेंट्स को इवेंट्स मैनेजर के अंदर, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं जी टेस्ट कर लेते हैं। अभी पहले सेटिंग्स इसकी कुछ डिफरेंस थी बट अभी इसने बहुत सारी सेटिंग्स चेंज कर दी हैं, तो अभी इसने इवेंट्स ऐड कर दिए, कुछ सेटिंग्स इसने दे दी। यहाँ पे आप देखो आ गया इवेंट से फेसबुक इवेंट सेटअप का टूल एंड यहाँ पे अब ट्रैक न्यू बटन, अब आपने एक नया बटन ऐड कर लेना है। तो अब आप किस कौन सा बटन ऐड करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के बटन ऐड कर लेता हूँ, या फिर आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन शो हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर सिंपली मैं ऐड करूँ तो सर्च सर्च ऐड कर लेता हूँ, इसको सिंपल कर लेता हूँ कंफर्म, ये मैंने एक इवेंट ऐड कर दिया। अब एक्चुअली में इवेंट होता क्या है, अब इवेंट ये होता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या ट्रैफिक जा रही है और क्या बंदे ऐड क्या काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके आप फेसबुक के ऊपर इवेंट्स ऐड करोगे, इवेंट में यानी कि अब अगर आपकी वेबसाइट पर पेजेस हैं बटन्स हैं पोस्ट है कैटेगरीज हैं कुछ भी है कोई भी आइकन है आप उसको इवेंट के थ्रू ऐड कर दोगे। यानी कि अब जैसे एक एक बंदा ऐड के थ्रू अगर ऐड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है
और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, तो अगर मैंने सर्च का इवेंट यहाँ पे ऐड किया होगा तो उसको काउंट कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे साइन अप साइन नाउ या इस तरह का कोई इवेंट ऐड किया होगा तो उसको क्या करेगा, काउंट कर लेगा, एंड वो भी मुझे शो करवा देगा मेरे एड्स के अंदर कि भाई मेरे एड के थ्रू इतने लोग गए थे मेरी वेबसाइट के ऊपर और उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। ठीक है, तो इवेंट्स आप लोगों ने इसलिए ऐड करने हैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज की काउंटिंग रहे और पता लगता रहे कि मेरी वेबसाइट में ये कुछ होता रहा इतने इतने टाइम में। ठीक है, तो मैंने भी ऐड पिक्सल्स ऐड कर लिए एंड उसके बाद इवेंट्स भी ऐड कर लिए। अब जितने वापस जाते हैं, अभी तक हमारा काम कंप्लीट हुआ है पिक्सल्स ऐड करने का, बाकी जो इवेंट्स वगैरह रह गए वो हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।